तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कल हमें एनएक्सटी का एपिसोड देखने को मिलेगा, जो कि गाइस टेक ओवर इन योर हाउस के बाद पहला एनएक्सटी का एपिसोड होगा, जहां पर गाइस नेक्स्ट स्पेशल इवेंट यानी कि गाइस द ग्रेट अमेरिकन बैश के लिए बिल्डअप हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा इस एनएक्सटी एपिसोड में, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले अनाउंस मैचेस की बात कर लेते हैं, जहाँ पर गाइस आपको कुशीडा का ओपन चैलेंज देखने को मिलेगा फॉर एनएक्सटी क्रूजरवेट चैंपियनशिप। उसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार फ्यूड कर रहे ग्रिजल यंग वेटरन्स और टोमासो चैंपा टिमोथी थैचर के बीच भी हमें गाइस फाइनली एक और मैच देखने को मिलेगा, जहां पर गाइस ये मैच होगा टेक्सास टोर्नेडो मैच, यानी कि गाइस बिना अटैक किए ये चारों सुपरस्टार एक ही टाइम पर लड़ने वाले हैं। तो ये मैच काफ़ी बढ़िया होने वाला है और यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी मोस्ट प्रोबेबली गाइस वो हमें आगे चलकर एमएसके को टैग टीम टाइटल्स के लिए चैलेंज करती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा गाइस बात करें अगले सेगमेंट की, जहाँ पर गाइस आपको देखने को मिल सकते हैं एले नाइट, और आप सब जानते हैं कि टेक ओवर में कैसे एले नाइट ने मिलियन डॉलर चैंपियनशिप को जीत लिया है, और गाइस यहाँ पर आपको उनकी सेलिब्रेशन वगैरह देखने को मिल सकती है। और गाइस मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें कैमरन ग्राइम्स की इंटरफेरेंस देखने को मिले, जो कि यहाँ पर एले नाइट की सेलिब्रेशन खराब कर सकते हैं। और गाइस इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड आपको मिलियन डॉलर चैंपियनशिप के लिए कंटिन्यू होती नजर आ सकती है। उसके अलावा गाइस आप सब जानते हैं कि एनएक्सटी पर विलियम रीगल काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो भी अनाउंसमेंट होगी वो एनएक्सटी का लैंडस्केप भी बदलने वाली है। और काफ़ी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं जो कि हमें बताते हैं कि विलियम रीगल हो सकता है कि अपनी जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली कर दे और उनकी जगह गाइस यहां पर हमें समोआ जो देखने को मिले, क्योंकि गाइस रिसेंटली समोआ जो WWE के पास वापस आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली यही माना जा रहा है कि उन्होंने WWE के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और फिलहाल वो हमें NXT पर अथॉरिटी फिगर के टाइप में देखने को मिल सकते हैं, जैसे एडम पियर के साथ सोनिया डेविल होती है, ऐसा कुछ रोल हो सकता है उनका हमें NXT पर भी विलियम रीगल के साथ देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर NXT क्या करती है उसके लिए हमें गाइस NXT के कल के एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस उसके अलावा अगर हम बात करें NXT चैंपियनशिप की फ्यूड आगे क्या होने वाली है, तो गाइस मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एडम कोल एक बार फिर से आपको चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं कैरियन क्रॉस को, क्योंकि टेक ओवर से पहले हमने देखा था कि कैसे एडम कोल ने कैरियन क्रॉस को मैच के लिए चैलेंज किया था, लेकिन वहां पर हम सब जानते हैं कि फेटन फाइव मैच बनाया गया। तो गाइस यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि एडम कोल कहें कि मैं सिंगल्स मैच में कैरियन क्रॉस को हराकर एक बार फिर से चैंपियन बन सकता हूं, तो हो सकता है गाइस इनकी फ्यूड आगे हमें कंटिन्यू होती नजर आए और द ग्रेट अमेरिकन बैश में इनका एक बार फिर से चैंपियनशिप मैच भी हो जाए। और गाइस ये थी कुछ मेन हाइलाइट्स जो कि आपको कल के NXT शो पर देखने को मिलेंगी। अब गाइस एक्चुअल में शो पर क्या होता है उसके लिए तो हमें कल का ही वेट करना पड़ेगा, और गाइस सुबह सुबह आपको चैनल पर NXT का रिव्यू भी मिल जाएगा। और गाइस तब तक आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।